हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्री श्याम स्कूल टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू सेमेस्टर विद द एट चैप्टर ऑफ योर ईवीएस बुक दैट इज यूजफुल एनिमल्स सो लेट स्टार्ट रीडिंग स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑल अराउंड हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के एनिमल्स देखते हैं सम ऑफ देम आर कैप्ट इन आर हाउसेज एंड यूजफुल टू टूअर्स इनमें से कुछ एनिमल्स हम अपने घरों में रखते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं लाभदायक होते हैं दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स इस तरह के जानवरों को जिन्हें हम अपने घर में अपने लाभ के लिए रखते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं मतलब कि घरेलू जानवर दे प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ये हमें अलग अलग तरह की थिंग्स चीजें प्रोवाइड करते हैं प्रदान करते हैं इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर यूजेस इस चैप्टर में हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या यूज़ यूजेज हैं वो पढ़ेंगे ठीक है so, सो डोमेस्टिक एनिमल्स एनिमल्स लाइक काउज हॉर्सेज बफेलोज ऑक्सन चिकन्स डक्स कैमल्स गॉड्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स तो ये सभी जानवर किस में आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में गाय घोड़े भैंस बैल चिकन मुर्गी उसके अलावा डक बतख ऊंट और बकरी ये सभी के सभी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं घरेलू जानवरों में आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अज एंड हेल्प अज इन मैनी वेज जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं और हमें कई तरीके से हमारी हेल्प करते हैं मिल्क फ्रॉम एनिमल्स जो हमें एनिमल से जो मिल्क मिलता है उसके बारे में काउज गोड्स बफेलोज गिव्स अस मिल्क जो गाय होती है बकरी होती है और जो भैंस होती है वो हमें क्या देते हैं दूध देते हैं मिल्क इज़ यूज टू मेक डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ बटर घी आइसक्रीम स्वीट्स कैंडीज एंड कर्ड जो मिल्क होता है दूध होता है उसे डेयरी उससे हम क्या बनाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब ही क्या है जो चीज़ें दूध से बनती है उनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करते हैं ठीक है जैसे कि चीज़ हो गया पनीर बटर घी आइसक्रीम स्वीट्स मिठाइयाँ कैंडीज वगैरह और कर्ड मतलब दही ठीक है ये सारे के सारे आपके मिल्क से बनते हैं रियरिंग कैटल रियरिंग कैटल मतलब रियरिंग मतलब पालन पोषण करना होता है कैटल्स मतलब जो आपके जानवर पशु होते हैं उनका तो जो जिन पशुओं का पालन पोषण करते हैं दूध के लिए मिल्क के लिए उसे उस वो किस में आता है डेयरी फार्मिंग के अंदर आता है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स फ्रॉम एनिमल्स जिन जानवरों से हमें एग्स मिलता है हैंस एंड डक्स ले एग्स जो हैंस होते हैं हो, और डक्स होते हैं हो, वो क्या करते हैं अंडे देते हैं रियरिंग हैंस फॉर द एग्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग जिन हैंस का और जो डक्स होते हैं जिनका हम पालन पोषण किसके लिए करते हैं अंडों के लिए करते हैं एग्स के लिए करते हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आता है ठीक है सो आपने पहले पढ़ा था जिन जानवरों का पालन पोषण दूध के लिए किया जाता है वो डेयरी फार्मिंग के अंदर आता है और जिन और जिन हैंड्स को का पालन पोषण एक्स के लिए किया जाता है वो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आते हैं सो नेक्स्ट इज लेदर फ्रॉम एनिमल्स जो एनिमल से लेदर मिलता है स्किन ऑफ सम डेड एनिमल्स जो मरे हुए जो जो जानवर होते हैं डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन किसके लिए काम आती है किस लिए यूज़ की जाती है लेदर बनाने की शूस बैग्स बेल्ट एंड कोट्स आर मेड फ्रॉम लेदर तो जो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर देखो इस तरह के जो होता वो leather products है वो लेदर प्रोडक्ट होते हैं जो की डेड uh, एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर फ्रॉम एनिमल्स सम एनिमल्स गिव अज वूल सिल्क एंड फर कुछ जानवर हमें क्या देते है वूल देते हैं सिल्क देते हैं और फर वी गेट वूल फ्रॉम शीप जैसे कि शीप्स हमें क्या मिलती है वूल मिलती है ठीक है वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वम और जो सिल्क वॉर्म होता है रेशम का कीड़ा जो होता है उसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है स्किन स्किन ऑफ फॉक्स फॉक्स एंड गिव फर और और जो और का जो का होता है उसे हमें फर मिलते हैं ठीक है ठीके? सर्दियों के कपड़े में आपने देखे होगा ये फर वगैरह एनिमल्स दैट कैरी आर लोड जो जानवर क्या उठाते हैं बोझा उठाते हैं ठीक है सब एनिमल्स कैरी आर लोड कुछ जानवर क्या होते हैं हमारा भार उठाते हैं दे आर कोल्ड द बीस्ट ऑफ बर्डन बीस्ट का मतलब पशु होता है बर्डन का मतलब बोझ होता है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो कि बोझ गए पशु हॉर्सेस कैमल डंकीज एलिफेंट्स एंड ऑक्सन आर यूज टू कैरी आर लोड तो ये सभी जो जानवर है ये क्या उठाते हैं हमारा बोझा उठाते हैं बाहर उठाते हैं ऑक्स प्लस द फील्ड और जो बैल होते हैं वो क्या करते हैं खेतों को जोतते हैं प्लफ मतलब जोतना ठीक है हनी फ्रॉम बीज और हमें हनी कहाँ से मिलती है शहद हमें कहाँ से मिलता है बीज से ठीक है बीज गिव्स हनी एंड वैक्स जो बीज होती है वो हनी और वैक्स देते हैं कीपिंग बीज फॉर दीज थिंग्स इज कॉल्ड एप्रीकल्चर और जिन बीज को हम इस पर्पज से रखते हैं उसको क्या बोलते हैं एप्रीकल्चर ठीक है तो आपने तीन चीजें पढ़ी थी एक डेयरी फार्मिंग एक पोल्ट्री फार्मिंग एक एप्रीकल्चर ठीक है तो आपको समझ में आ गया ना वैक्स मतलब पता है मोम ठीक है वैक्स मतलब मोम होता है हनी का मतलब शहद हो गया ठीक सो so, जिन जानवरों को उसके लिए रखा जाता है दूध के लिए रखा जाता है उनका पालन पोषण किया जाता है उसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग और जिन हैंड्स को एग्स के लिए पालन पोषण किया जाता है उनको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग और बीस को हनी और वेग्स के लिए रखा जाता है उस चीज को बोलते हैं एप्रीकल्चर ठीक है तो आई होप यू आर ऑल क्लियर इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और कैन व्हाट्सएप ऑल्सो टिल देन टेक केयर and keep reading.